बाजार जाकर काठी कबाब की सब्जी और रुमाली रोटी किसको पसंद नहीं आता, सबको। देखिए लेकिन असली रुमाली रोटी कितना बिल्कुल रुमाल जैसी, बड़े आराम से घर में भी बन सकती है। ये देखिए इसको कहते हैं असली रुमाली रोटी, कितनी सॉफ्ट रोटी बनी हुई है। एक बारी और दिखाती हूँ, रुमाल की तरह आप इसे कैसे भी फोल्ड कीजिए या अपनी हथेली में इस तरह से, ये देखिए, और इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोचिए कि ये रोटी कितनी नरम और मुलायम बनेगी और खाने में कितना आनंद आने वाला है। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट एकदम अमृतसरी काठी कबाब की सब्जी और साथ में रुमाली रोटी। ये एक पंजाबी डिश है, वैसे आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही, जगह जगह ढाबों पर और रेस्टोरेंट में आपको यही सब्जी बिकती हुई नज़र आएगी और साथ में रुमाली रोटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम आटा लगा लेते हैं। मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1/2 कप के लगभग गेहूं का आटा, 2 चम्मच हम दही डाल देंगे, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच चीनी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून के लगभग ऑयल डाल देंगे, वैसे आप घर में बना रहे हैं तो घी भी डाल सकते हैं। साथ में डाल देंगे बिल्कुल 1/4 टीस्पून के लगभग खाने वाला सोडा, इसी सोडे से इसके अंदर लचक आती है। अच्छे तरह से मिला कर इसको सारे नमक चीनी और सोडे को आटे के अंदर चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद पानी और दूध दोनों को 1/2 मिलाएंगे। वैसे आप चाहें तो खाली दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 1/2 कप दूध और 1/2 कप पानी दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका हम एक बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। इसका हम जैसे घर में रोटी बनाते हैं ना, उससे भी हल्का सा हमें सॉफ्ट डो ही लगाकर तैयार करना है, क्योंकि अभी जब इसके अंदर फर्मेंटेशन होगा, 1/2 घंटा हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, तो जो बेकिंग सोडा जो है उसके अंदर ये अपनी अच्छे से लोच ले आएगा। और इसे हमें अच्छी तरह से मल कर 2 से 3 मिनट तक गूंदना है और उसके बाद बिल्कुल हल्का सा ऑयल का हाथ आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो इसी तरह से भी रखा जा सकता है। अब हम इसे ढककर रखेंगे। एक बार अपने घर में आप ये रेसिपी अगर ट्राई कर लेंगे ना, तो बाज़ार जाकर खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए सब्जी बनाने के लिए फ्राइड प्याज। ये जो फ्राइड प्याज होती है इस तरह की सब्जियों के अंदर और बिरयानी के अंदर बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो बहुत सारी प्याज को एक ही बार अच्छे से फ्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये देखिए मैंने कम से कम 700 ग्राम के लगभग प्याज है उसको अच्छे से छील कर उसके इस तरह से लच्छे स्लाइस की तरह काट लिया था। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर ये फ्राई हो जाएगी। बस हमें इसका इतना ही गोल्डन कलर रखना है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद अपना और कलर, अपने आप सेल्फ कुकिंग होती है इसके अंदर, तो और ज़्यादा इसका कलर डार्क हो जाने वाला है। तो आप ध्यान रखें कि इससे ज़्यादा कलर इसका हमें डार्क नहीं करना है। साथ में मैंने 15-20 कलियाँ लहसुन की 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे पीस के रख दिया। और ये देखिए प्याज, इसको मैंने एक टिश्यू पेपर के ऊपर फैला दिया था जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और ये देखिए कितना कुरकुरा है। अगर ये बिरयानी के ऊपर या किसी सब्जी के ऊपर डाला जाए ना, तो सलाद की तो ज़रूरत ही नहीं, इतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसे क्या करती हूँ, इसे किसी भी प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में इस तरह से भर के रख देती हूँ और जब बिरयानी वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कर लेती हूँ। अभी हमें केवल 1 कप के लगभग प्याज को मैंने अच्छे से पीस के रख लिया है और साथ में 4-5 टमाटर, हरे धनिया की डंडी और हरी मिर्च, इनको पीस लिया। और 1.5 कप के लगभग मैंने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया। साथ में मैंने 1 कप सोयाबीन की वड़ियाँ ली हैं और 25 ग्राम के लगभग चूरा। टोटल ये 100 ग्राम वड़ियाँ हैं और 25 ग्राम चूरा है, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके धो लिया है। अब हम थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप दही के अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दही काफ़ी गाढ़ा था तो इसके लिए मैंने इसके अंदर 1/2 कप के लगभग पानी डाल दिया है, ताकि हमारा एक गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। जितनी देर हम सब्जी बनाकर तैयार करेंगे, इतनी देर जो ये मसाला है अच्छे से फूल जाएगा दही में और सब्जी को एक बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी और फ्लेवर देगा। अब सारी तैयारी हो गई तो सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, साथ में 2 टेबल स्पून हम देसी घी डाल देंगे। आज हम बिल्कुल ढाबे पर जिस तरह से काठी कबाब की सब्जी बनाई जाती है, बिल्कुल उस तरह बनाकर तैयार करेंगे। ये सब्जी बहुत आसान तो है, साथ में सबको बहुत पसंद भी आती है। अब डाल देंगे थोड़े खड़े मसाले। इसके लिए 2 मैंने तेज पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 1 जो है स्टार अनीस, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और अगर एक आध कोई खड़ा मसाला आपके घर में अवेलेबल ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और एक बार इस सब्जी को अपने घर में जरूर ट्राई करें। रुमाली रोटी के साथ आपको खाने का मज़ा ही आ जाने वाला है।
अब जो मैंने 1.5 कप प्याज को चॉप करके रखा था वो हम डाल देंगे। हल्का सा प्याज भुन जाएगा तब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था वो डाल देंगे। इस सब्जी की सबसे खास बात क्या है कि बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब खाने बैठो ना तो वो टाइम सारा और मेहनत वसूल हो जाती है। अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है ताकि प्याज नीचे चिपके भी ना, स्टील की कढ़ाई है तो उसमें प्याज चिपकने का डर रहता है, तो इस तरह अगर नमक डाल के भुनेंगे तो प्याज चिपकेगी भी। जब हल्की सी प्याज अच्छे से भुन जाएगी तो जो हमने फ्राइड प्याज करके अच्छे से उसको पीस के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा टेक्सचर, फ्लेवर और कलर भी आएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च से तो सब्जियों का कलर ही चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बाजार जैसा। अब जो दही का मसाला हमने बनाकर रखा था ना वो भी हम साथ के साथ डाल देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि लाल मिर्च, जब हम कश्मीरी लाल मिर्च डालें तो उसके एकदम बाद ही हमें ये दही का मसाला डालना है ताकि कश्मीरी लाल मिर्च जले ना और उसका कलर चेंज ना हो। अब मैंने इसमें 1/4 कप के लगभग पानी डाल के जो बाउल के अंदर मसाला लगा रह गया था वो भी अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया है। वेस्ट क्यों करना, इतनी अच्छी सब्जी बना रहे हैं तो इसका 1-1 चम्मच का फुल यूज़ होना चाहिए। और वाकई ये सब्जी जब बनकर तैयार होगी ना तो अगर आप 2 दिन बाद भी खाना चाहेंगे ना तो आपको इसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड करने का मन नहीं करेगा, मन करेगा इसे रखे रहो और जब तक खाई जा सकती है खाओ। वैसे आज मैंने बहुत सारी सब्जी बनाई है, वो 8 से 10 लोगों के लिए काफ़ी है। अब जो हमने प्याज, हरे धने की डंडियाँ और हरी मिर्च इसका पेस्ट बना कर रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे, और जब ये हल्का सा भुनने लगेगा तब हम इसमें मसाले डाल देंगे। मैंने टेस्ट के अनुसार 1.5 चम्मच के लगभग नमक, क्योंकि 1/2 चम्मच मैंने पहले ही डाल दिया था। बहुत सारी सब्जी पूरी कढ़ाई भर की सब्जी बनकर तैयार होगी और 8-10 जनों के लिए तो आपको ज़रूरत ही नहीं। वैसे अगर आप चाहें तो कोई मेहमान आए तब भी ये सब्जी बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद भी आने वाली है। और गर्मा गर्म रुमाली रोटी ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाया था, ये देखिए कितनी अच्छी जो है हमारा तड़का अच्छे से भून गया है और इसमें ऑयल ऊपर जो है वो एकदम से नज़र आ रहा है। इसका मतलब बहुत ही अच्छी तरह से तड़का हमारा भून चुका है। बस अब हम इसके अंदर जो हमने वो बॉईल करके रखी थी सोयाबीन और उसका चूरा, दोनों को मैंने मिलाकर रख दिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि सारा मसाला जो है वो सोयाबीन के अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह से जो सब्जी बनती है वो बहुत ही टेस्ट में अच्छी होती है। ये सब्जी थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में, लेकिन बनकर बहुत स्वाद होती है। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हमें पानी डालना है। इसके लिए मैंने 1.5 ग्लास के लगभग पानी गर्म कर लिया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। शुरू में हमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि जैसे जैसे सब्जी पकती जाएगी सोयाबीन जो है और चूरा इसका वो फूलता जाएगा और बहुत ही इसको एक अच्छा सा रिच टेक्स्चर देगा। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर करके अब हम इसको जैसे इसमें बॉयल आने लगेगा ढककर पकाएंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट तक हमें अच्छी तरह से इसे ढककर मीडियम फ्लेम के ऊपर या लो फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी सब्जी जो है वो कितनी अच्छी तरह से पक गई है और कितनी अच्छी तरह से इसमें ऑयल ऊपर रिलीज़ हो गया है, लेकिन अभी भी ये सब्जी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है। अभी इसके लिए मैंने 2 शिमला मिर्च जो है उनको बारीक चॉप कर लिया था वो हम इसके अंदर डालेंगे, इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। वैसे इसकी जगह आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक हल्का सा टेक्सचर लाने के लिए हमें इसे देर तक पकाना होता है। इस सब्जी को बनाने में कम से कम आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे, लेकिन 40-45 मिनट में इतने सारे लोगों का खाना बनना एक तरह से थोड़ा सा आसान ही है। अब हम इसे ढककर सोयाबीन के साथ और पकाएंगे 15 मिनट तक। टोटल मैंने इसको 20 मिनट तक पकाया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, साथ में डाल देंगे इसके ऊपर कसूरी मेथी जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट करके क्रश कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इस समय नमक मिर्च टेस्ट कर लें, हल्का सा आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, नहीं तो बस हरा धनिया डालिए और बहुत ही अच्छी हमारी काठी कबाब की सब्जी बनकर तैयार है। इस तरह से अब हमारी सब्जी तैयार है। अब हम इसके साथ बनाएंगे रुमाली रोटी। इस सब्जी का मज़ा जो है वो रुमाली रोटी के साथ या नान के साथ या तंदूरी रोटी जो होती है उसके साथ सबसे अच्छा आता है। रुमाली रोटी के लिए जो हमने आटे को लगा कर रखा था वो अच्छी तरह से तैयार है क्योंकि इसे 1/2 घंटा कम से कम हो चुका है रेस्ट करते हुए। अब इसकी रुमाली रोटी बनाना तैयार करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से एक बार फिर से गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से लोच आ जाए। ये देखिए एकदम सॉफ्ट जो हमारा आटा लगकर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर जितनी बड़ी या छोटी आपको रुमाली रोटी बनानी है उतना एक पेड़ा लीजिए और मैदा लगा लगा कर इसको अच्छे से बेलना शुरू कर दीजिए। बस यहीं पर हमें थोड़ा सा खास ध्यान रखना है कि हल्के से हमें चलाते हुए लगातार बेलन को किनारे से बेलना है ताकि ये अपने आप ही जो है इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा।
अगर आपसे इस तरह हाथ पर ना बने तो आप इसे किचन काउंटर पर आराम से हल्का हल्का मैदा का हाथ लगा लगा के और इसको इस तरह से घूमते जाइए, तभी हमारी बड़ी सी रुमाली रोटी बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आप इसे हाथ भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये रोटी ना तो कहीं फटने वाली है ना इसमें छेद होने वाले हैं, इसी तरह से ये हाथ पे फैलती जाएगी और इसका साइज़ जो है वो अपने आप बड़ा होता जाएगा। ये कमाल है, जो हमने दूध दही और जो खाने वाला सोडा डाला है उसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी लचक आ जाती है और ये बिल्कुल रुमाल की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसे रुमाल की तरह से हाथ भी पोंछ सकते हैं। ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट रोटी बनी है, दैट मीन्स बिल्कुल पतली है और बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हुई है। और अगर आपसे ना फैले तो इस तरह से किचन काउंटर पर फैलाइए और हल्के हल्के हाथ से इसे स्ट्रेच कीजिए, तो भी हमारी रोटी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। आपको एक बात बताऊँ, रुमाली रोटी का आविष्कार कहाँ हुआ था? एक्चुअली में जो मुग़ल नवाब होते थे ना, जब वो खाना खाते थे तो रुमाली रोटी का इस्तेमाल उनको हाथ पोंछने के लिए किया जाता था, और बाद में उनके ग़ुलामों को ये रोटी जो है खाने के लिए दे दी जाती थी। लेकिन आजकल तो रुमाली रोटी का फैशन चल पड़ा है। अब ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई को उल्टा करके रखा है गैस के ऊपर, लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर मैंने नमक का थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो है ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह बिहेव करे। बस अब हम इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। अब ये ध्यान रखें, कढ़ाई के नीचे अगर हो सके तो छोटी छोटी दो कटोरियाँ रख लीजिए, ताकि जो गैस है उसके बुझने का चांस नहीं रहेगा और ये एक साथ गर्म रहेगी। और हमारी ये जो कढ़ाई है एकदम तेज़ गर्म होनी चाहिए, तभी अच्छी सी रुमाली रोटी बनकर तैयार होती है। एक तरफ से जब हल्के हल्के बुलबुले हमें नज़र आएंगे तो हम पलट देंगे, फिर एक बार और पलट देंगे, और इस तरह से हमारी बहुत ही अच्छी रुमाली रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको एक रोटी और बनाकर दिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए किस तरह बनानी है। बस इसे फोल्ड करके और किसी भी सॉफ्ट कपड़े के अंदर दबा कर रख दीजिए, ताकि ये इतनी सॉफ्ट बनी रहे। गरम गरम जो है इसे कपड़े के अंदर ढकना ज़रूरी है, वरना ये सूख कर ठंडी होकर एकदम से थोड़ी सख्त हो जाती है और खाने में अच्छी नहीं लगती। बस इस तरह से पहले उसे रोटी को बेलिए, फिर हथेलियों पर इस तरह आराम आराम से घुमाइए बिल्कुल रुमाल की तरह, और इसको इस तरह से आप चाहे तो फोल्ड करके देख लीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब बहुत अच्छी हमारी रुमाली रोटी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आ रही होगी। मैंने पहले भी रुमाली रोटी की एक रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी आपको बहुत पसंद आई है। इसमें मैंने थोड़ा सा सब्जी का चेंज करने की कोशिश की है, ताकि आपको पता लगे कि हम किस किस सब्जी के साथ रुमाली रोटी बना सकते हैं या बाज़ार में खा सकते हैं। इसी तरह देखिए कितनी अच्छी तरह से रुमाल की तरह फोल्ड हो रही है। मुझे तो ये रुमाली रोटी बहुत पसंद आई, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आई है। उम्मीद है आप सबको भी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह की नई नई रेसिपी देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से एक तरफ सीख गई, और ये तवा अच्छी तरह से मतलब कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तब तो रुमाली रोटी अच्छे से फूलनी भी शुरू हो गई है। इस तरह से एक बहुत ही अच्छी डिश, जो कि हम बाज़ार में बहुत महंगी तो मिलती है, उतनी साफ़ सफाई से भी नहीं बनी होती, और घर में हम पूरी साफ़ सफाई से और अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट डालकर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मुझे तो इस रुमाली रोटी से प्यार ही हो गया है, बिल्कुल रुमाल की तरह सच में सॉफ्ट और बिल्कुल ऐसे रुमाल की तरह फोल्ड हो रही है। देखने में भी रुमाली रोटी लग रही है और खाने में भी। इस रेसिपी को बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उतना ज़्यादा नहीं लगता, और ये जितना हमने सामान लिया है वो कम से कम 8 से 10 लोगों के लिए सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से इतनी सारी रुमाली रोटियां भी बनी हैं, इसमें कम से कम 10 से 12 रुमाली रोटी बनकर तैयार हो जाएंगी, जो कि 8 से 10 जनों के लिए। कुल मिलाकर इस रेसिपी को तैयार करने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगा है, लेकिन जब इसको हम डिनर में या लंच में सर्व करेंगे, वैसे डिनर में बेस्ट जाती है साथ में थोड़ी सी हरी चटनी और प्याज, तो सबको बहुत मज़ा आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि एक अच्छी सी रेसिपी बनाकर आपने घर वालों को सर्व की। तो चलिए अब विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ये देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी है और आराम से टूट भी रही है, जबकि अगर आप बाज़ार की रोटी खाएं ना, रुमाली रोटी, वो उतनी सॉफ्ट नहीं होती है। ये घर में हमारी रोटी बहुत अच्छी बन जाती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। बाय, थैंक यू।